नुकताच अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसवरती अतिरेक्यांचा अतिरेकी हल्ला झालाय. लष्करी तोबा या अतिरेकी संघटनेने त्याच्यावर हल्ला केलाय. त्याच पद्धतीनं कोकणगाव तालुक्यामधील मुलीवरती अत्याचार करण्यात आलाय. आणि या दोन्ही घटनेचा निषेध महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषद जामखेडच्या वतीनं करण्यात आलाय. या निषेधाचे निवेदन तहसीलदार जामखेड व पोलीस स्टेशन जामखेड यांना देण्यात आले आहे. यावेळी मुस्लिम विकास परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया विश्वदर्शन न्यूजशी बोलताना दिल्या आहेत. तमाम देशातील हिंदूंचे श्रद्धास्थान असणारे अमरनाथ येथे अमरनाथ यात्रेत जात असणाऱ्या भाविक भक्तांच्या बसवर लष्करी तोबा या अतिरेकी संघटनेच्या वतीनं हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यामध्ये अनेक भाविकांना दुःख यातना सोसाव्या लागल्या. तसेच या अतिरेकी संघटनावर त्वरित कारवाई व्हावी. तसेच या हल्ल्यामुळे सर्व हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावल्या. यामुळे या अतिरेकी संघटनावर त्वरित कारवाई व्हावी. तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथे मूकबधिर मुलीवर जो अत्याचार करण्यात आला या नराधम आरोपीस कठोर शासन व्हावे या आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषदेच्या वतीनं जामखेड तहसील व पोलीस स्टेशनला देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषदेचे अहमदनगर जिल्हा उपाध्यक्ष श्री शेर खान, अकबर खान, जामखेड तालुका अध्यक्ष ताहेर खान, यासिन खान, हानिफ अय्यूब कुरेसी, नयूम निजाम शेख, मोमिन असलम बादशाह, शेख मोईज तय्यब उर्फ मोईज सर इत्यादीसह अनेक महाराष्ट्र मुस्लिम परिषदेचे मुस्लिम कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. उपस्थित पदाधिकाऱ्याने आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया विश्वदर्शन न्यूजशी बोलताना दिल्या आहेत. भाई अमरनाथ में जो घटना हुई है उसके लिए महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषद और तमाम मुसलमानों की जानिब से जो है तो उसका निषेध किया जाता है. और ये जो घटना है ये घटना है जो तो अपने देश में हर बारी को हर जगह पर हर अलग अलग तरीके से हो रही है. तो ये हमारा ये कहना है, सरकार से हमारी ये मांग है कि जो भी ये लोग है जिसने ये काम किया वो कोई भी जात के कोई भी धर्म के हो उसको जो है तो पकड़ के उनको फांसी देना चाहिए. इसलिए कि ये जो है एक पवित्र जगह पर जाकर जहाँ पर जो है तो हमारे मुस्लिम समाज ऊपर ले जाके छोड़ने वाला भी हमारा मुस्लिम समाज है और लाकर नीचे छोड़ने वाला मुस्लिम समाज है. इसलिए हमारे लोगों की गुजारिश है कि हम सब लोग हैं मुसलमान, इसका निषेध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इनको जो है तो पकड़कर इनको जो है तो कोई कार्रवाई नहीं करते, इनको जो है तो फांसी की सजा होने मांगता. फांसी की सजा इसलिए होने मांगता कि लोग जो है तो धर्म की वजह से धर्म के खातिर जो है तो देव धर्म को जाते और यहाँ पर जो है तो अतिरिक्त कोई जात होती नहीं. अतिरिक्त जो है तो निसावती लोग रहते, उनको कोई जात का, कोई धर्म का, कोई मस्जिद का, कोई मंदिर का इनको कोई लेना देना नहीं रहता. इनका सिर्फ काम ये रहता कि लोगों को मारना. इसलिए सरकार सब में बड़ा दोष है इसका. सरकार ने अगर इसका जो है तो अगर बंदोबस्त अगर बराबर करता तो ये जो लोग बेचारे मर गए आज ये नहीं मरे होते. तो सरकार को हम इसलिए सरकार को इसका दोषी मानते हैं, दूसरे को इसका कोई दोषी नहीं मानते. महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषद की तरफ से मांगनी है कि ये जो लोगों ने कार्य किए हैं, ये लोगों ने जो बुरा काम किए हैं, हमारी ये मांग है कि उनको जो है तो फांसी की सजा होने मांगता, उनको कोई जो है तो चौकसी नहीं होती है, इनको पकड़ के इनको जो है तो फांसी देना चाहिए, यह हमारी मांग है. घडलेल्या मुखबधीर मुलीवर जो ज्या नराधमाने अत्याचार केला है अशा नराधमांना शासनाने त्वरित धरून त्यांना फासावर लटकावं असं जामखेड मुस्लिम विकास परिषदेच्या वतीने मागणी करण्यात येत आहे. कॅमेरामन फारुख शेख सह प्रतिनिधी नंदू परदेशी, विश्वदर्शन न्यूज, जामखेड.